ये वाली आरडीपी हम किसी क्रेडिट कार्ड या पेपाल या किसी तरह की भी पेमेंट जो मेथड है उसको ऐड किए बगैर बनाने वाले और बिल्कुल फ्री में बनाएंगे, तो हर बंदा इसको क्रिएट करके यूज़ कर सकता है। इंटरनेट स्पीड भी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है कि अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है जिसके अंदर आपकी जीमेल अकाउंट लॉगिन हो, ठीक है। इसके लिए जीमेल अकाउंट होना जरूरी है, तो आपके पास सबके पास होगा ही वैसे भी, नहीं तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है collab.google.com, ठीक है, क्योंकि हम गूगल कोलैब की आरडीपी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त न्यू मेथड है, ये मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से आपने यहाँ पे टाइप करना है collab.google.com। लिंक वगैरह मैं इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा क्योंकि आपको पता है यूट्यूब का कोई ना कोई स्ट्राइक्स वगैरह यहाँ पे आ जाती हैं। तो इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने नीचे ये लिखा आ जाएगा न्यू नोटबुक, ठीक है। इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना, देख लें न्यू नोटबुक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी नोटबुक ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें एक कोड चाहिए होगा, कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल कर दूंगा या फिर आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, दोनों में से किसी एक पे आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कोड हमें चाहिए। अब कोड जो है वो गिथब के ऊपर अवेलेबल है और गिथब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये गिथब का पेज है, यहाँ पर ये कोड अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा कोई भी कोड नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे कहते रहते हैं मतलब कि यार आपने ऐड लगाए हुए हैं या इस तरह। तो भाई जितने भी मैं लिंक या कुछ भी प्रोवाइड करता हूँ वो मेरा नहीं होता। उसके बाद आपने यहाँ रन टाइम के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने नीचे जो है चेंज रन टाइम यहाँ पर टाइप इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से इसको चेंज करना है इसकी टाइप को, और यहाँ से T4GPU सेलेक्ट करके नीचे यहाँ पे डन या नेक्स्ट का ऑप्शन, ये सेव का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्ले वाला ऑप्शन होगा, इसका मतलब यहाँ से इसको रन करना है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, तो आपके सामने ये इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा गूगल का। यहाँ पे आपने अब कोड इंटर करना है, ठीक है, यहाँ तक आपने वेट करना है। न्यू टैब ओपन करनी है और यहाँ पे आपने सर्च करना है रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है, और रिमोट डेस्कटॉप डॉट गूगल डॉट कॉम आपने नहीं करना इसी तरह। और यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो रिमोट एक्सेस वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसका जो लिंक होता है वो remotedesktop.google.com/access होता है, ठीक है, तो आप ये भी टाइप करके डायरेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सेटअप इन SSH, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर ये वाला ऑप्शन है सेटअप इन SSH, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। बिगेन के ऊपर होगा ऑप्शन या नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। दोबारा से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इसको ऑथराइज कर देना है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा डेबियन लिनक्स, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपने अब क्या करना है कि यहाँ पे आके कंट्रोल वी से ही कोड पेस्ट होगा, ठीक है, बाकी यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन नहीं मिल रहे। कंट्रोल वी के बाद आपने पेस्ट करना और यहाँ से सिंपली इंटर का बटन यहाँ पे प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपने 5 मिनट वेट कर लेना है जब तक आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ना मिल जाए। ये 5-6 मिनट लगाएगा, मैंने स्किप कर दिया वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। और अब आपने वहीं पे चले जाना है रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर, पहला वाला रिमोट एक्सेस इसके ऊपर आ जाना है और सिंपली आपने आपके पास RDP क्रिएट हुई मिल जाएगी आपको। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी RDP से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए अब यहाँ पर आपसे पूछेगा एक पासवर्ड। अभी यहाँ पर लोडिंग हो रही है, कनेक्टिंग हो रही है और यहाँ पे आप देखेंगे एक पिन पूछ रहा है, तो पिन आपको वहीं पे मिल जाएगी। वैसे तो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ कोलैब के ऊपर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी, ठीक है। आपने इसको यहाँ से सिंपली क्या करना है कि कॉपी कर लेना है या फिर आप 1 2 3 4 5 6 खुद भी टाइप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर सिंपली हमारी RDP के साथ ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे RDP के साथ कनेक्ट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो नहीं लाइक किया वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री वाले टिप्स एंड ट्रिक्स RDP से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और हर तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स जितनी मैं कवर कर सकता हूँ सारी कवर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके साथ जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ हैं वो सारी पहुँचती रहें और आप सबसे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं इंटरनेट स्पीड वगैरह शुरू में भी चेक करवा चुका हूँ, लेकिन दोबारा से चेक करवा दूँगा। यहाँ पर आपको स्पीड टेस्ट वाली वेबसाइट, इस पर जाएंगे हम और यहाँ पर ये देखते हैं स्पीड टेस्ट बाई ओखला, और ये गूगल की RDP है कोलैब की, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब इंटरनेट गूगल कोलैब का यूज़ हो रहा है सिंपली। वैसे तो RDP किसी और ने क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटरनेट की स्पीड। थोड़ा सा ये लोडिंग में टाइम ले रहा है क्योंकि सर्वर से कनेक्ट होने में आपको पता है MS वगैरह कभी कभी कभार इशू चल रहा होता है, ठीक है। या आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड में अगर लेटेंसी नहीं होगी तो आपको RDP में भी लेटेंसी फील नहीं होगी। यहाँ पे आपको तकरीबन 300 MBPS की स्पीड यहाँ पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे अभी तो मेरी 250 तक आई है, बट 300 तक ही चली जाती है। अपलोडिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोडिंग आपको 800 या 700 तक मिलेगी। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो नहीं लाइक की तो वीडियो को भी लाइक कर देना।